पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शोकॉज नोटिस भेजा फ़खर को। फ़खर ने 21 अक्टूबर को उसका जवाब दिया और अभी तक कोई इतला नहीं आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। तो मैंने दो सोर्सेज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आज पता किया, तो उनका ये कहना है कि फ़खर को सज़ा देने का कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। उनको एक पैगाम पहुँचा रहा था कि जो उन्होंने किया वो गलत था, वो इट वॉज नॉट इन लाइन विद हिज कॉन्ट्रैक्ट विद हिज ऑब्लिगेशन। तो लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया उनके साथ नरम है, ये बात मुझे पता चली है। और अब उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने का एज सच इरादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं रखता। तो वक़र ज़मान उस मामले से तो बरी हो जाएंगे जो उन्होंने ट्वीट का जो मामला किया था, जो बाबर आजम के हक में वो बोले थे, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ वो गए थे, उसकी वजह से उनके खिलाफ कोई एक्शन होता नज़र नहीं आ रहा जो अभी तक मेरी बात हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अब दूसरी बात ये है कि क्या फिर उनके साथ होगा क्या, तो भाई उनके साथ कुछ नहीं हो सकता। ही इज़ अनफिट, स्टिल अनफिट। और आज की तारीख में जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो NCA लाहौर, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर NHPC लाहौर में उनका रिहैब चल रहा है, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं। उनके घुटने में प्रॉब्लम्स हैं तो फिटनेस, उनको मुकम्मल फिटनेस हासिल नहीं कर पाए हैं फ़खर ज़मान अभी तक। तो फिटनेस हासिल करने के लिए वो लाहौर में जो एकेडमी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वहाँ बैठे हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई उनकी अनबन होती, अब आप सोचिए कोई अनबन होती तो क्या वो NCA में उन्हें रिहैब की इजाज़त देता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? ये जवाब आपका, आपके दिल में ये जवाब होगा और ये जवाब ही आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ़खर ज़मान के दरमियान ताल्लुकात या होने वाले ताल्लुकात जो आगे फ्यूचर में आप देखेंगे उसकी एक स्केच आपके सामने बना देगा। तो मुझे लगता है कि फ़खर ज़मान जैसे रिहैब कंप्लीट कर लेंगे वो प्रोसेस में आ जाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें वो आ जाएंगे।